हेलो एवरीवन, मायसेल्फ मिसेस प्राची गुप्ता। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 5 ऑफ सेकंड सेमेस्टर ऑफ हिंदी ग्रामर ऑफ क्लास फर्स्ट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लिंग। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट जेंडर ऑफ एवरी पर्सन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट जेंडर ऑफ एवरी पर्सन। सो सभी जानते हैं कि हमारे पास जो भी शब्द होते हैं या तो वो मेल जेंडर में होते हैं या फिर वो फीमेल जेंडर में होते हैं। मींस या तो नर होते हैं या मादा होते हैं। मींस या तो स्त्री होते हैं या पुरुष होते हैं। कुछ चिन्ह शब्द मात्राएं स्त्री का बोध कराती हैं और कुछ चिन्ह शब्द मात्राएं पुरुष का बोध कराती हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है राजा रानी। राजा होता है पुरुष जाति, रानी होती है स्त्री जाति। लड़का होता है पुरुष जाति, लड़की होती है स्त्री जाति। औरत होती है स्त्री जाति, आदमी होता है पुरुष जाति। शेर होता है पुरुष जाति, शेरनी होती है स्त्री जाति। ऐसे ही जो शब्द किसी भी शब्द का, वस्तु का, पर्सन का, व्यक्ति का, लिंग का, जाति का बोध कराएं, जाति का बोध कराएं, उन्हें लिंग कहते हैं। वे शब्द मात्रा जो जाति का बोध कराएं लिंग कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, आप देख रहे हैं हमारे घर में मम्मी रहती हैं, पापा रहते हैं। मम्मी स्त्रीलिंग, पापा पुल्लिंग। हमारे घर में भाई रहते हैं, बहन रहती हैं, भाई पुल्लिंग, बहन स्त्रीलिंग। ऐसे ही लिंग के दो भेद होते हैं। इसी प्रकार लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं बुक में लिखा हुआ है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग क्या होता है? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, मीन्स जिस शब्द से गर्ल के बारे में पता चले, उस शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि मम्मी, माँ, बहन, मामी, चाची, नानी, बकरी, शेरनी, मोरनी। ऐसे जो शब्द होते हैं जिसमें स्त्री जाति का बोध हो रहा हो, जिसमें गर्ल का पता चल रहा हो, ऐसे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग क्या होता है। पुल्लिंग वो शब्द होते हैं जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे कि हमारे घर में पापा रहते हैं, पापा पुल्लिंग। भाई रहते हैं, भाई स्त्रीलिंग। चाचा रहते हैं, चाचा पुल्लिंग। बाबा जी रहते हैं, बाबा पुल्लिंग। बैल, शेर, बकरा, कुत्ता, मोर, हिरन, हाथी, ये सभी शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इन्हें पुल्लिंग कहते हैं। कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द का हम उदाहरण लेंगे। राजा रानी, लड़का लड़की, भाई बहन, मामा मामी, मोर मोरनी, शेर शेरनी, बकरा बकरी, छात्र छात्रा, कवि कवयित्री, हाथी हथनी। इस पाठ को आप फिर से एक बार पढ़ें जिससे आपको अच्छे से पता चले कि लिंग क्या होते हैं और किसका लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। धन्यवाद।